सर्दियां खत्म हो गई हैं और गर्मियां शुरू हो गई हैं, और गर्मियों के मौसम में ये जो गाजर है ना, ये गाजर का सीजन भी चला जाएगा। गर्मियों में इतने अच्छे लाल गाजर नहीं आएंगे, तो बस मैंने सोचा सीजन का लास्ट गाजर का हलवा बनाती हूँ और इसको मैं बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी। वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ गाजर के हलवा की रेसिपी शेयर की है, लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये आधा केजी के लगभग गाजर है, इसे अच्छे से वॉश करके छील लिया है और धुल भी लिया अच्छे से। और ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस पे गोल गोल कट कर लिया है। और जो आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, इसमें ना हमें इसे घंटों कद्दूकस करने की ज़रूरत है और ना ही इसमें मैं दूध डालूँगी ज़्यादा, और ना ही इसमें किसी मलाई मावा किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी। और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा ये गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। इसके देखकर या खाकर कोई कह नहीं सकता कि इसमें हमने मावा नहीं मिलाया है। और देखिए, मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और बस उसमें इस गाजर को जो हमने पतले पतले पीसेस में जैसे सलाद काटते हैं उस तरह से काट के रखा था ना, उसको इसमें डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। और बस इसमें मैं 3 से 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ, देख सकते हैं आप, ये 3 से 4 चम्मच पानी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें मैं बिल्कुल भी दूध का यूज नहीं कर रही हूँ और बस इसे ढक दूंगी और ढक के इसे मैं पका लूँगी। थोड़ी देर में ही ये गाजर हमने पतला पतला कट किया है ना, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, 7 से 8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और ये बिल्कुल, ये देखिए, मैश हो रहे हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, पोटैटो मैशर लेंगे और उससे इस तरह से इसे मैश कर देंगे। तो ये गाजर हमारे जो हैं वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये आसानी से मैशर से मैश हो जाएंगे, ये देखिए। और हमें गाजर को यहाँ पे एकदम अच्छे से मैश नहीं करना है, हमें इसके छोटे छोटे चंक्स इसमें रहने देना है गाजर के, तभी ये हमारे खाने में गाजर का हलवा अच्छा लगेगा। जैसे हम कद्दूकस करके बनाते हैं ना गाजर को, उससे भी टेस्टी ये हलवा लगता है हमारा। तो बस इस तरह से हम गाजर को अच्छे से, देखिए, मैंने मैश कर लिया है। छोटे छोटे चंक्स इसमें हमारे गाजर के अभी हैं, बिल्कुल अच्छे से मैंने नहीं मैश किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये हमारा वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हों, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से आसानी से गाजर का हलवा बना सकें। और ये देखिए, हमारा अच्छे से मैश हो गया है, तो मैंने इस पर डाल दिया है ये चीनी। तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ डाल सकते हैं, जितना आप मीठा या कम मीठा खाना चाहते हो। वैसे भी ये जो गाजर है ना, ये काफ़ी मीठी है, तो मैंने इसमें चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल दीजिएगा और बस थोड़ी देर में हम इसे ढक देंगे। 1-2 मिनट में ही चीनी हमारी अच्छी सी मेल्ट होने लगेगी, इसमें गलने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चाशनी चीनी जो हमारी इसमें है इसके साथ गाजर को अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए इसे पका लेंगे। इससे हमारी जो गाजर है ना, ये चीनी के साथ थोड़ी देर पक जाएगी, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और बस इसको हम इसके साथ इस तरह से हल्का हल्का स्पैचुला से मैश करते हुए इसको अच्छे से चीनी के साथ हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, बीच में मैंने इस तरह से जगह बनाई है, गाजर को मैंने कढ़ाई में साइड कर दिया है और इसमें मैंने ये 4 से 5 चम्मच, केवल 4 से 5 चम्मच दूध डाल दिया है। और उसी के साथ उसी दूध में मैं ये ले लिया है मैंने मिल्क पाउडर, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 1/4 कप, ये मेजरिंग कप है, इससे लिया है मिल्क पाउडर, यानी कि नॉर्मल जो हम खाने वाला चम्मच यूज करते हैं, इससे 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है। और बस उसे दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसमें लम्स वगैरह ना रहे, इसीलिए मैंने इसमें ये दूध थोड़ा सा डाला है बिल्कुल, बाकी इसमें मैं दूध का यूज नहीं कर रही हूँ। और बस इसके बाद जब हमारा मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हम इसे पूरे गाजर में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी कोई इसे खा के नहीं कह सकता कि इसमें हमने मावा नहीं डाला है। मिल्क पाउडर डालने से इसमें इतना जबरदस्त टेस्ट आता है। और देखिए, मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करके उसको, और ये ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच इसमें देसी घी। तो यहाँ मैं घी का यूज भी बिल्कुल बाद में मैंने किया है, इससे हमारे जो गाजर का हलवा है ना, इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी लास्ट में जब हम इसमें डालेंगे घी। और हमारा ये गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बस हल्का हल्का इसको मैं थोड़ी देर के लिए और इस तरह से आँच पे चला लूँगी, ताकि ये जो हमने दूध डाला है इसमें वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और बस ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, तो मैंने काजू बादाम थोड़ा सा पिस्ता कट कर लिया है। और आप गाजर की देख सकते हैं शाइनिंग, कितनी अच्छी इस हलवे में शाइनिंग आ रही, कितना अच्छा कलर आया है।
और बस इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इसे भी मिक्स करके एक दो मिनट के लिए इस तरह से चला लेती हूँ और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी ये हमारा बिल्कुल बिना झंझट के गाजर का हलवा बनकर तैयार है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसमें कलर आया, बिल्कुल भी ये कोई कह नहीं सकता देख के कि हमने इसमें मावा या दूध की मलाई नहीं यूज की है। और लीजिए फ्रेंड्स, मैं इसे फटाफट से सर्व कर लेती हूँ गाजर के हलवे को, और ऊपर से भी मैं इसे थोड़ा सा बादाम पिस्ता से गार्निश कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा रेसिपी वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी रेसिपी से जुड़ी हुई नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे ऊपर से थोड़े से फिर से काजू बादाम और पिस्ता इस तरह से डालकर इसे गार्निश कर दिया अच्छे से। और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बिना दूध के, बिना मलाई, बिना मावा के ये गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। ना घंटों घिसने का झंझट इसे, और ना ही हमें मलाई या मावा बनाने का झंझट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने तो इसे बना लिया है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय।